सीरीज फॉर सिक्योरिटीज लॉ जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं स्कैनर सीरीज बिल्कुल सही है तो ये एक एक्स्ट्रा एज सीरीज है सिक्योरिटीज लॉ की आप सब बच्चों को ये सारा जो इंस्ट्रक्शन नोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुन लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्कैनर सीरीज को देखना है चलिए सबसे पहली चीज क्या सर ये स्कैनर सीरीज देखते समय हमारे पास स्कैनर की हार्ड कॉपी होने की आवश्यकता है क्या आंसर दैट इज नो आप चाहें तो अपने स्कैनर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं और किसी व्यक्ति के पास स्कैनर की कॉपी नहीं भी है तो भी वो मस्ती से स्कैनर सीरीज देख सकता है मैं यूज करने वाला हूं स्वच्छता प्रकाशन के स्कैनर स्वच्छता प्रकाशन का स्कैनर मैं यूज करने वाला हूं तो कोई व्यक्ति अगर चाहता ही है तो स्वच्छता प्रकाशन का स्कैनर यूज कर सकता है मेरे साथ में तो उसके लिए ईज हो जाएगा स्वच्छता प्रकाशन के आपका एक तो हार्ड कॉपी स्कैनर आता है साथ में सॉफ्ट कॉपी स्कैनर भी आता है तो मैं यहां पे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी स्कैनर यूज करूंगा तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए भी जाके हार्ड कॉपी लेना संभव नहीं है तो वो चाहे तो स्वच्छता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके उनका सॉफ्ट कॉपी स्कैनर ले सकता है जिससे कि आप बच्चे अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर पाएंगे लेकिन अगेन अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है मैं यहां पे जब डिस्कस करूंगा यू विल गेट अ फेयर आइडिया आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे थम्स अप फर्स्ट पॉइंट दूसरा पॉइंट यार जब स्कैनर सीरीज डिस्कस करूंगा इसमें मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा ठीक है बेटा जी लेटेस्ट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं होंगे उसका कारण ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो वो क्या कर सकता है पूरी स्कैनर सीरीज करने के बाद में जो आखिरी के कुछ अटेम्प्ट हुए उनके पेपर को लेके बैठ के प्रॉपर तरीके से देख सकता है तो उसमें फायदा क्या होगा बेटा जी उसमें फायदा ये होगा दैट यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन या स्कैनर सीरीज में तो चैप्टर वाइज होंगे यू विल हैव हाँ मिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू तो फिगर आउट कि मुझे जम रहा है या नहीं लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना है जिसको समय परमिट कर रहा है बिल्कुल ठीक है तो अगर आपके पास प्रिपरेशन में आपके पूरे रेगुलर नोट्स रेगुलर लेक्चर अच्छे से हो चुके हैं एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से चुके हैं क्विक रिविजन हो चुके हैं आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है टेस्ट सीरीज हो चुकी है और फिर भी आपके पास समय है एग्जाम तक तो आप तीन घंटे का टाइमर लगा के कोई भी पास पेपर लेके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो

ये जो आप बच्चे करते हैं ना ये तभी सेंस बनता है जब आपका डिश टेस्टी है तब तो गार्निशिंग का कोई सेंस बनेगा सो so ये जो एक्स्ट्रा एज सीरीज यहां पर सिक्योरिटीज लॉ की आ रही है दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ओनली डन द रेगुलर बैच प्रॉपरली द रेगुलर नोट्स प्रॉपरली द एडिशनल नोट्स प्रॉपरली कोई एक व्यक्ति जो ये सब बहुत अच्छे से कर चुका है जिस व्यक्ति का रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है उसने एक्स्ट्रा एज के लिए आना चाहिए एक्स्ट्रा एज के लिए आप तब आएंगे ना जब आपका अच्छे से हो चुका है। कोई व्यक्ति का नहीं लेने की कोशिश करेगा तो अननेसेसरी परेशानी होगी तो मेरा सुझाव क्या है कि जब आप बच्चे का ये सब बहुत अच्छे से हो चुका है तब आपने स्कैनर सीरीज के लिए आना तब आपने लॉजिकल फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बेटा जी सुनना अच्छे से आप क्या कर सकते हैं यू कैन हैव अ पेज विथ यू एक ब्लैंक पेज ले लीजिए जब आप स्कैनर सीरीज देख रहे हैं उसमें आप क्या कर लीजिए दो लिस्ट बना लो एक तो कोई भी चीज अगर आपको लिखती है वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी लिस्ट बना लो कि कोई क्वेश्चन है जो लगातार बार 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 पूछा गया है कंडीशनल ऑफर है टेकओवर कोड में जो बार बार पूछा गया है फास्ट ट्रैक इशू है आईसीडीआर में बार बार पूछा गया है आपको लगता है कोई भी टॉपिक बार बार पूछा गया है तो उसको एक स्टार मार्क करके टॉपिक्स का लिस्ट बना दो दूसरा कोई भी नया पॉइंट अगर आप सीखते हो तो एक और लिस्ट बना लो न्यू थिंग्स लर्न बिकॉज ये स्कैनर सीरीज आपको बार 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 देखने की कोई जरूरत नहीं है एक बार देख ली हाँ ऐसे 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 क्वेश्चन आपको कंटेंट तो पता है 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 जो आपने रेगुलर पढ़ा वही वही लिखना है। वही करके जाना है। लेकिन कभी कभी हमें समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है तो उसके लिए स्कैनर सीरीज काफी यूजफुल होती है तो आपको बस ये ध्यान रखना बेटा जी कि कोई भी नई चीज अगर आप यहां पे सीखते हो तो उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि हाँ ये टॉपिक नया सीखा ये चीज नहीं सीखी लाइन नहीं सीखी सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले या फिर रिविजन आपको कुछ नहीं पढ़ना है रेगुलर नोट्स एडिशनल नोट्स और ये जो नई चीज सीखी वापस स्कैनर पे आने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपका स्कैनर है भी सही तो उसमें आप हाईलाइट कर दो कि बस ये नई चीज सीखी आर वी अंडरस्टैंडिंग तो एक नई चीज सीखने का जो मौका मिला उसको है उसको यहां पे हाईलाइट कर लो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपका सिलेबस में है ही नहीं जैसे कि मैं स्कैनर सीरीज कराऊंगा कुछ 2013 के 14 के 2018 के क्वेश्चन है तब वो ओल्ड सिलेबस था अब वो रेलिवेंट नहीं है बट फिर भी उसको हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे क्यों बेटा जी कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं स्कैनर सीरीज का एक पर्पज है कि एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं वो भी आप हैंडल कर पाए तो कोई नई चीज भी सीखिए तो उसको अच्छे से लिख के रख लेंगे बस सिंपल है चल उसके बाद में हाँ। कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद फूल जाएंगे कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद सुकड़ जाएंगे तो बेटा जी डरने का नहीं क्योंकि ये वीडियोस YouTube पे भी रहेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो हमसे नहीं भी पढ़ा है सीधा स्कैनर सीरीज देखना है

उसके बाद में एक बच्ची थी पिछले में नाइन फोर इन सिक्योरिटीज लॉ तो ये बच्चे वो नहीं थे कि जो बच्चे एकदम ही तूफान एकदम ऐसा कि मतलब सर एकदम सब कुछ जबरदस्त आता है ये वो बच्चे थे जो हमेशा कुछ सीखने को रेडी थे हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने को रेडी थे तो हमारी तरफ से हम जो जो चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करते थे उसका इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया तो अच्छे से रेगुलर बैच पढ़ना है अच्छे से एडिशनल नोट्स पढ़ने को पूरा अच्छे से फ्रूटफुल यूज करना है सब होने के बाद में गार्निशिंग के लिए एंड में ये स्कैनर सीरीज देख लेनी है गुड अच्छा उसके बाद में गुंडे एक और चीज है कभी कभी एग्जाम में कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इस स्कैनर सीरीज देख के उनका भी आइडिया लगता है जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं लेकिन अगर आप जनरली भी सोच लिस्टिंग क्या फायदे कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है गुड़विल अच्छी मिल जाती है कंपनी को अपने फायदे होते हैं राइट कंपनी को पैसा रेस करना ईजी हो जाता है

वॉच द स्कैनर सीरीज ऑन 1.5x पॉइंट बेशरम बच्चे स्कैनर सीरीज 1.5x पे नहीं देखने का है क्योंकि स्कैनर सीरीज में मुझे पता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है मैं खुद 1.5 पे बोल रहा हूं स्कैनर सीरीज में आई नो दैट आप बच्चों के पास समय नहीं है और आप बच्चों का फटाफट से स्कैनर सीरीज कंप्लीट करना है एक्स्ट्रा एज फटाफट से देना है आपको तो उसके लिए मैं खुद ही वन पे पढ़ाता हूं तो आपने उसको एक्स पे देखना नहीं है आपका वन मैं ऑलरेडी वन पॉइंट फाइव वो कुछ थ्री हो जाएगा और फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा ठीक है तो इसको वन पॉइंट फाइव पे नहीं देखना है और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट गुंडे ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो उसकी साइज के बेस पर उसको जज नहीं करना है वो उसके अंदर उन्होंने साइज को कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है फोर मार्क्स के क्वेश्चन के लिए दो दो पेज के आंसर दिए कभी कभी फोर मार्क्स के पेज क्वेश्चन के लिए टू लाइनर आंसर दिया तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मुझे जम या नहीं इसके अंदर आंसर में क्या लिखना होगा बस उनका जो साइज ऑफ द आंसर उनका फॉर्मेट ऑफ द आंसर है उसको फॉलो नहीं करना है वो आपको अपने ही फॉर्मेट में आंसर लिखने हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है डोंट फॉलो फॉर्मेट और इवन साइज फ्रॉम स्कैनर वो आपने अपने ही मगज के हिसाब से ही करना है आई बिलीव अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो इतना तूफान एक्स्ट्राइज लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन में कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी ओके आई होप यू दिस सीरीज बेटा जी इसी तरह से खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो ऑल द बेस्ट टेक केयर योर सेल्फ मेक मी प्राउड मेक योर पेरेंट्स प्राउड प्राउड मेक अराउंड ऑल द बेस्ट बाय हेलो यारो स्वागत है आपका इन अनदर एपिसोड ऑफ स्कैनर सीरीज

रेस्ट्रिक्शन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ सी आई एमसी रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिवसी बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉर डिफाइन सी आई एस द रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ सी आई एमसी बहुत आसान कलेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोवाइड रिलेटिव सिक्योर मीन ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन द स्टॉक इक्सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कमेंट कभी भी ऐसा सवाल आ जाएगा क्या करना है

एडिशनल टॉपिक में आपको आराम से मिल जाएगा वॉट द रिस्ट्रिक्शन द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एमसी लिखो वापस इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर डिफाइन सी आई एक्सक्लूजन ऑफ सी लिख दिया होगा नेक्स्ट लिख दो रेस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एक्टिविटी ऑफ सी आई एमसी बहुत ज्यादा आसान वाइंडिंग ऑफ सी आई एमसी के सीआईएमसी का वाइंड अप होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओअर्डिनेशन ऑफ ट्रस्टी एंड कलेक्टिव इवेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी इज एप्सरी फॉर सक्सेस इन्वेस्टमेंट स्कीम एक्सप्लेन इन दिस कॉन्टेक्स दर राइट अवेलेबल टू ट्रस्ट तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्कीम के जो ट्रस्टीज होते हैं उनके जो राइट है वो यहां पर आपको लिखने बहुत बेसिक वो अंडरस्टैंड दर्स पॉन्जी स्कीम हा कुछ नया सीखने को मिलेगा क्या आखिर पॉन्जी स्कीम क्या होता है रेगुलेट्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लेस एनी फॉर की आस्पेक्ट फॉर लॉन्चिंग बाकी सब इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेट करता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को लॉन्च करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह बाकी सब ईजी है चलो पॉन्सी स्कीम क्या होता है अब पॉन्सी स्कीम इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेर क्लाइंट आर प्रोमिस्ड अ लार्ज प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म एट लिटल ऑल नो रिस्क एट ऑल अनुराधा याद आ रही है क्या था में क्या पच्चीस दिन में पैसा डबल था क्या पंद्रह दिन पच्चीस दिन में पैसा डबल फुलतेम स्कीम एक ऐसी और नो रिस्क एट ऑल के अंदर अगर आपको लार्ज प्रॉफिट कमिट किया जाता है तो यह है पॉन्जी स्कीम सेबी ऑफ इन इंडिया इज रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ सी तो सीआईस को रेगुलेट कौन करता है सेबी

पावर्स है. है उसका मिनिमम ड्यूरेशन क्या रहता है ये जो सवाल है ये रिसेंट अटेम है तो आप बच्चों को क्या करना होगा इसको खुद से लिखने की कोशिश करनी है सोचो क्या हो सकता है आंसर एंड वर्ष के सीनारियो आप उसके बाद में एंड में अगर आपको समय नहीं मिलता है लिखने का के सिनेरियो में आप सिंपल गाइडलाइन आंसर में जाकर चेक कर सकते हैं हर बार बता रहा हूं गाइडलाइन आंसर का मिलेंगे 2022 तो जून का पेपर है तो आप गूगल भी करेंगे अगर आईसीआई गाइडलाइन आंसर तो आपको अटैप्ट मिल जाएगा जून दो को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा लास्ट के जो रिसेंट अटेम्प्ट होते हैं वो आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए दैट तो विल रियली गिव यू अ वेरी गुड आइडिया कि आपको एग्जाम में आंसर कैसा लिखना होता है ओके टोकी चलो और जैसे कि हमेशा कहते हैं यारों इन स्कैनर सीरीज से ये बस ये सोचना है कि हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए आपको दिमाग लगाना ही नहीं है ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है बस ये पढ़ते जाना है आई एश्योर यू रेगुलर बैच बहुत अच्छे से किया डिटेल में हमने तकरीबन वन फिफ्टी वन सेवेंटी आर्स तक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा फिर हमने न्यूमेरिकल्स भी एक, एक, एक को खोद खोद के पढ़ लिया न्यूमेरिकल सेशन कर लिया हमने उसके बाद में हम बच्चों ने एडिशनल टॉपिक्स पढ़े उसके बाद में हमने टॉप फिफ्टी टॉपिक्स पढ़े उसके बाद में हम लोगों ने क्विक रिव्यूजन किए और इन सबके बाद में अगर आप बच्चे स्कैनर सीरीज देख लेते हो तो एग्जाम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बस तो अच्छे से जो जो कह रहा हूं अच्छे से करते जाओ एंड खूब 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 पढ़ते जाओ खूब खूब आगे बढ़ते जाओ दैल फॉर द सेशन खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो बाय बाय आई एम गोना सी यू पीपल इन अनदर एपिसोड बाय बाय